Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the example of molluscans. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ molluscans. इसके पहले वाले जो लेक्चर है उस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का के बेसिक कैरेक्टर्स की रिगार्डिंग, तो एग्जांपल्स के लिए हमने अलग से लेक्चर इसलिए तैयार किया है क्योंकि कई बार एग्जांपल्स में से काफी ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो मोलस्कंस के एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारा फाइलम. फाइलम का जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है द कॉमन नेम ऑफ फाइलम इज द एप्पल स्नेल. इसका जो कॉमन नेम है वो एप्पल स्नेल है. अभी मिलता कहां है? ये बेसिकली हमारे जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उनके उनमें देखने को मिलता है. ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह की लाइफ को सरवाइव कर सकता है. ये चीफली हर्बीवोरस होता है और इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि इसमें आपको एक्सटर्नल सेल दिखाई देगा. तो ये एनिमल कैसा है? मेनली फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल. ये मोस्टली हर्बीवोरस होता है. अब एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली उनको फीड करता है, जैसे कि वेलिस्नेरिया हो गया, पिस्टिया हो गया. तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो ये इनको फीड करता है. इसमें रेडुला प्रेजेंट होता है. रेडुला माउथ के अंदर होता है और एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि फूड मटेरियल को बारीक करने का काम करता है, उसको मैस्टिकेट करने का काम करता है. पाइला जो है ये एनिमल में आपको क्या दिखाई देगा? जो शेल है वो एक्सटर्नल दिखाई देगा. तो यहां जो शेल होता है वो एक्सटर्नल दिखाई देगा. अब ये किसके अंदर आता है? पाइला कम अंडर द क्लास गैस्ट्रोपोडा. तो इसके जो लार्वा होते हैं, पाइला का जो लार्वा होता है आपको उसके अंदर, वो उसके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देगी. और इसका जो एडल्ट होता है पाइला का, वो ड्यू टू द टॉर्शन उसके अंदर सिमेट्री खत्म हो जाती है. तो एडल्ट पाइला के कैसे होंगे? असिमेट्रिकल टाइप के होंगे. तो पाइला के बारे में इतना इंफॉर्मेशन इनफ. पाइला हो गया. अब पाइला के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो नेक्स्ट एग्जांपल है पाइला के बाद वो है हमारा ऑक्टोपस. ऑक्टोपस हम सभी लोगों ने देखा है, कुछ इस तरह का इसका बॉडी होता है. बॉडी में शेल नहीं होता है और इसमें एट आर्म्स होती हैं. इस तरह की आपको इसमें
कितने आर्म्स दिखाई देंगे इसके अंदर? एट आर्म्स दिखाई देंगे, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एट आर्म इसका नाम क्या दिया गया है? ऑक्टोपस। ठीक है, अब ऑक्टोपस का क्या होता है कि ऑक्टोपस जो है वो अपने शिकार को चीर फाड़ के खाता है। अब इस तरह से खाता है इसलिए इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम क्या दिया गया है ऑक्टोपस का? डाइविंग फिश। इसका जो कॉमन नेम है वो है डाइविंग फिश। कॉमन नेम इज डाइविंग फिश। इसमें कितनी आर्म्स होती हैं? एट आर्म प्रेजेंट। इसमें एट आर्म प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये बॉडी को बार बार चेंज कर लेता है क्योंकि इसमें शेल नहीं है। इसमें शेल क्या है? अब्सेंट है। तो ये इसकी जो बॉडी होती है वो बार बार अपने शेप को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। जितने भी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्रिलियंट एनिमल कौन सा है? हमारा ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट एनिमल। ये कैसा एनिमल है? मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट एनिमल है। और एक बात और, इसमें इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए। ऑक्टोपस की सलाइवा जो होती है वो पॉइजनस होती है और इस सलाइवा की वजह से ये अपने प्रे को इजीली किल कर देता है, खत्म कर देता है। तो ऑक्टोपस क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको ऑक्टोपस? ऑक्टोपस को दुनिया के कई हिस्से में खाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्टोपस नाम क्यों रखा? इट बिकम क्लियर, क्योंकि इसमें एट आर्म्स है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस जो है वो क्लास सेफलोपोडा के अंदर आता है। तो इसको किस क्लास में इंक्लूड किया जाता है? सेफलोपोडा। तो इसके ऑक्टोपस की जो क्लास होगी, इसकी क्लास होगी कौन सी? सेफलोपोडा। अच्छा, बेसिकली मोलस्कस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि इसके अंदर जो है आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। कौन सा सिस्टम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ऑक्टोपस में इतना सारा नॉलेज इनफ है, इसके अलावा ऑक्टोपस में और कुछ भी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट है लॉरिगो, जिसे कि हम स्क्विड के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दैट इज लॉरिगो। कोई टेबलेट फेवरेट नहीं है खाने की, टॉपी ऑफी नहीं है, इट्स अ नेम ऑफ एनिमल, साइंटिफिक नेम है लॉरिगो। लॉरिगो का जो कॉमन नेम है वो नाम है हमारा स्क्विड। इसका कॉमन नेम क्या है? स्क्विड है। और इसमें 10 आर्म्स प्रेजेंट होती है और इसमें कुछ स्क्विड काफी बड़े साइज के होते हैं। तो जो लार्ज साइज के स्क्विड होते हैं उन्हें हम जाइंट स्क्विड के नाम से जानते हैं, और इनकी जो लेंथ है वो 80 मीटर के भी अबोव हो सकती है। तो इस तरह से ये हमारे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल हो गए। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन से होते हैं, देन योर आंसर विल बी लॉरिगो और स्क्विड। अब इनमें जो है एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी जो आय होती है वो आय इसके अंदर देखने को मिलती है। इसमें तकरीबन 1 मीटर डायमीटर की आपको आय देखने को मिलती है जॉइंट स्क्विड के अंदर। तो जॉइंट स्क्विड में 1 मीटर डायमीटर की आय देखने को मिल रही ना, तो इस तरह से ये एनिमल किंगडम में मिलने वाली सबसे बड़ी आय हो गई। ठीक है, तो इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया आपको ये? तो लॉरिगो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लॉरिगो में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये मरीन एनिमल है और ये एडिबल एनिमल है, तो
को खाने के लिए इसका काफी ज्यादा शिकार किया जाता है, और हमारे एशिया के कई कंट्रीज के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में इसको काफी ज्यादा खाया जाता है। इसका जो फ्लैश होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सेपिया के बारे में। तो देखने में कुछ कुछ स्क्विड और सेपिया सेम दिख रहे हैं, परंतु इसमें डिफरेंट डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रंक, और ट्रंक के केवल पीछे वाले पोर्शन में ही आपको फिन देखने को मिलेंगे तैरने के, स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए। ठीक है, ये हमारा सेपिया। इसके आप देखेंगे कि इसका ये वाला पोर्शन ट्रंक हो गया, और ट्रंक में, पूरे इंटायर ट्रंक में आपको फिन देखने को मिलेंगे स्विमिंग करने के लिए। तो ये परफेक्ट स्विमर होते हैं, ये पीछे की तरफ जनरली स्विमिंग करते हैं। ठीक है, सेपिया भी मरीन एनिमल होता है। सेपिया का जो कॉमन नेम है वो कटल फिश है। अब हमारा लॉलीगो और सेपिया बोथ कम अंडर द सेफेलोपोडा। ऑक्टोपस भी सेफेलोपोडा में आता है। सेफेलोपोडा की खासियत होती है कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, तो आपको इसके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। किसके अंदर? सेपिया के अंदर। इट बिकम क्लियर? इसमें भी इंक ग्लैंड होती है, जिससे ये अपने एनिमी के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब भी कोई एनिमी इसको ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, इसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये क्या करेगा कि इंक को जो सी वाटर में डाल देगा, और इस इंक की वजह से एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम क्रिएट होता है, और उसका मौका उठा के ये भाग जाता है। ठीक है, तो ये सेपिया की खासियत है। सेपिया भी एडिबल है, दुनिया के कई हिस्से में सेपिया को खाया जाता है। इसके जो शेल है इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो शेल होते हैं इनका यूज किया जाता है। इसमें इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है। यू मस्ट रिमेम्बर, लॉलीगो में भी इंटरनल शेल प्रेजेंट होगा, और सेपिया के अंदर भी इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है। मतलब शेल प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट का, पर बॉडी के वो बाहर नहीं है, वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है शेल। इट बिकम क्लियर? ठीक है, इसको खाने के लिए काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है सेपिया को। इसकी जो इंक होती है, इस इंक का यूज आर्टिस्ट लोग करते हैं पेंटिंग करने के लिए। ये ब्लू कलर का इंक होता है, ये इससे जो इंक मिलता है वो ब्लू कलर का नेचुरल इंक होता है, ये काफी अच्छा इंक माना जाता है। तो ये क्लियर हो गया, तो लॉलीगो सेपिया दोनों आप लोगों को समझ में आ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल, एप्लेसिया के बारे में। एप्लेसिया मतलब कि सी हेयर के नाम से जिसको जानते हैं, वो कैसा एनिमल होता है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एनिमल है एप्लीशिया, मींस सी है। इसे हम हिंदी में समुद्री खरगोश बोल सकते हैं, या इसे हम मराठी में समुद्री ससा बोल सकते हैं। तो ये जो एनिमल है एप्लीशिया, एप्लीशिया बेसिकली मरीन एनिमल होता है, और ये सी बॉटम में देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर और इसकी रनिंग एक्टिविटी जस्ट लाइक हमारे हेयर जैसी होती है, हालांकि ये काफी तेज नहीं दौड़ पाता। मोलस्कस की विशेषता होती है कि जनरली वो काफी स्लो स्विमिंग करते हैं, पर ये इसकी जो एक्टिविटी होती है वो हेयर जैसी होती है, जिस तरह से हेयर दौड़ता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से सी बॉटम में हमको एप्लीशिया भी दौड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस एप्लीशिया को हम जनरली क्या बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो गया इसका, वो हो गया हमारा सी हेयर। अब इसके बाद एक एनिमल और है जिसे कि हम डेंटेलियम के नाम से जानते हैं। डेंटेलियम इज ऑल्सो कम अंडर द मोलस्का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल। इसको हम टस्क शेल के नाम से जानते हैं। तो ये एनिमल कुछ इस तरह का होता है। इसमें यहां पर इसके आपको फुट देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इस तरह का एनिमल होता है। कौन सा? हमारा डेंटेलियम।
तो डेंटेलियम का कॉमन नेम क्या हो गया, टस्क शेल। आप देखिए इसका पूरा का पूरा डिजाइन कैसा है, टस्क जैसा है ना। ये बेसिकली सी बॉटम में देखने को मिलते हैं और ये इनके का बॉडी का काफी मेजर पोर्शन जो होता है वो सैंड के अंदर दबा हुआ रहता है। ठीक है, इनकी बॉडी की जो ओपनिंग्स हैं वो केवल यही देखने को मिलती हैं, यही इसके क्या है, फुट है। इसकी एक खासियत है कि बेसिकली मोस्ट ऑफ मोलस्कस में आपको कैसे फुट देखने को मिलेंगे, आपको मस्कुलर फुट देखने को मिलेंगे, पर डेंटेलियम के अंदर आपको मस्कुलर फुट देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आपको बेसिकली स्मॉल छोटे छोटे इस तरह के जो है आपको ये फुट देखने को मिलेंगे। तो ये इसका खासियत है, किसका, डेंटेलियम का। तो डेंटेलियम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको हमने क्या बोला, टस्क सेल के नाम से बोला। अब इसके बाद नेक्स्ट एनिमल है जिसे हम बोलते हैं चीटोप्लूरा। चीटोप्लूरा जो है कॉमनली इसको हम चीटोन के नाम से जानते हैं, और ये जो एनिमल है ये भी काफी इंटरेस्टिंग एनिमल है, इसको भी खाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट एनिमल साइंटिफिक नेम चीटोप्लूरा, और कॉमन नेम हो गया इसका चीटोप्लूरा का चीटोन। ये जो एनिमल होता है आप देखेंगे कि इसका जो शेल है उसमें आपको एट प्लेट देखने को मिलेंगी, तो आपको इसके शेल में कितनी प्लेट देखने को मिलती है, आपको सिक्स जो है छोटे 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 शेल के प्लेट देखने को मिलते हैं इसके स्केलेटन में। इसमें एक्सोस्केलेटन प्लेट होता है चीटोन के अंदर, और ये क्या हो गए, एट एक्सटर्नल शेल प्लेट। अच्छा, अब ये प्लेट है तो जब भी कोई एनिमल इसको टच करता है तो प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, ये पूरा अपने आप को ऐसा कॉइल कर लेता है ताकि कोई एनिमल इसको डैमेज नहीं पहुंचा पाए। इसका जो फ्लैश होता है वो खाने में कुछ कुछ बीफ जैसे दिखाई देता है, और इसको कई जगह इसको खाया जाता है चीटोन को। तो चीटोन का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, चीटोप्लूरा। और हमारी एनसीआरटी में और भी ढेर सारे इसके कॉमन नेम है, हमारी एनसीआरटी में इसका कॉमन नेम क्या है, चीटोन। ये क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया ये चीटोन क्या होता है, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एनिमल, डेट इज यूनियो। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है यूनियो, और फिर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यूनियो तो इसका जो कॉमन नेम है वो है फ्रेश वाटर, इसको मुसेल के नाम से जानते हैं, और इसे हिंदी में हम शीप बोलते हैं और मराठी में इसको हम शिंपले के नाम से जानते हैं। तो शिंपले या जो शीप है आपने देखे होंगे सेंड में आपको देखने को मिल जाते हैं, इनमें आपने क्या देखा है कि एक सिंगल शेल होता है कि दो शेल होते हैं, आपने देखा होगा कि दो शेल होते हैं जो एक पॉइंट पे चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या दिखाई देंगे, इसमें क्या दिखाई देगा आपको, दो शेल दिखाई देंगे, इस तरह के दो शेल होते हैं जो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक शेल तो ये ऐसा हो गया और दूसरा शेल ये इस तरह का हो गया।
दो शेल ऐसे चिपके हुए रहते हैं, इस तरह से चिपके हुए रहते हैं दो शेल। तो फ्रेश वाटर मोसेल इसकी क्या विशेषता है, इसमें टू शेल प्लेट प्रेजेंट। कितने शेल प्लेट प्रेजेंट होते हैं इसमें, टू शेल प्लेट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और इसमें जो लार्वा होता है इसका यूनियो का, वो फिश के ऊपर पैरासाइट होता है। तो इसका जो लार्वा है उसका नाम है ग्लूसिडियम लार्वा। और ये लार्वा क्या है, पैरासाइट ऑन फिशेस। ये किसके ऊपर पैरासाइट होता है, इसका लार्वा फिश के ऊपर पैरासाइट होता है। ये हो गया, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पर्ल ऑयस्टर के बारे में, पिंक टाटा के बारे में। यूनियो क्लियर हो गया, यूनियो जो होता है वो बेसिकली कार्निवोरस होता है, जबकि हमारा पायला कैसा था, पायला हमारा शाकाहारी है, हर्बीवोरस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिंक टाटा मतलब कि पर्ल ऑयस्टर। पिंक टाटा कॉमन नेम पर्ल ऑयस्टर। अब पर्ल के कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको पर्ल कल्चर के नाम से जानते हैं। कल्टीवेशन ऑफ पर्ल इज नोन एज पर्ल ऑयस्टर। तो कल्टीवेशन ऑफ पर्ल इज नोन एज पर्ल ऑयस्टर, सॉरी पर्ल कल्चर। तो कल्टीवेशन ऑफ पर्ल इज नोन एज पर्ल कल्चर एंड पर्ल कल्चर इज वेरी पॉपुलर इन द जापान। जापान में बहुत पॉपुलर होता है पर्ल कल्चर माना जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब आप लोगों ने कोई ना कोई यूनियो को तो देखा ही होगा, या किसी ना किसी सिंपली को तो आपने देखा होगा, शीप को देखा होगा आपने। आपने क्या देखा उसमें, उसमें आपने ये देखा होगा कि उसके बाहर का जो सरफेस होता है बेसिकली वो कैसा होता है, कि काफी रफ टाइप का होता है। और अंदर वाला जो लेयर है उसका, आपने देखा होगा कि वो वाला लेयर उसका काफी शाइनी लेयर होता है। ये अंदर वाला लेयर है, ठीक है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम जो है नेक्रे के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इस लेयर को हम, नेक्रे। इस लेयर को हम नेक्रे के नाम से जानते हैं। अब देखिए हम जनरली क्या करते हैं, पर्ल कल्चर के रिगार्डिंग यदि डिस्कस करें तो पर्ल कल्चर को जापान में एक फार्मर थे जिनका नाम था मिकी मातो, उन्होंने सबसे पहली बार इस पर्ल कल्चर को जापान के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें क्या किया जाता है कि पर्ल ऑयस्टर को लिया जाता है और उसको ओपन करके उसके अंदर जो सिलिकॉन पार्टिकल या सैंड पार्टिकल उसके अंदर डाल दिया जाता है। मतलब कहां डालते हैं कि शेल और मेंटल के बीच में, शेल और मेंटल के बीच में क्या होता है, मेंटल कैविटी, उसमें डाल दिया जाता है। कुछ समय के बाद, अब एक्चुअली
सैंड पार्टिकल से क्या होना है, हमारी जो पर्ल ऑयस्टर है उसे इरिटेशन होगा। तो पर्ल क्या करती है कि जैसे मान लीजिए कोई सैंड पार्टिकल है, अब इस सैंड पार्टिकल की वो चारों तरफ क्या करेगी, एक शाइनिंग लेयर तैयार करेगी। तो वो क्या करेगी, एक शाइनिंग लेयर तैयार करेगी। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पर्ल के नाम से जानते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पर्ल। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पर्ल के नाम से जानेंगे। तो जब भी इसमें कोई सैंड पार्टिकल डाला जाएगा तो क्या करेगा, सैंड पार्टिकल के चारों तरफ एनिमल, इसी तरह का जो शाइनिंग लेयर है, इस तरह का आप देखेंगे जो शाइनिंग लेयर है, ये शाइनिंग लेयर जो है वो डेवलप कर लेगा किसके चारों तरफ, हमारा जो सैंड पार्टिकल है उसके चारों तरफ या सिलिकॉन के पार्टिकल के चारों तरफ। तो ये जो लेयर है, ये जो चमकीला लेयर जो है, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, नेक्रे के नाम से जानते हैं। तो आपने पर्ल देखे होंगे, मोती देखे होंगे, तो पर्ल का कलर जो है कुछ इसी तरह का होता है, इसी तरह का कलर होता है। तो ये जो शाइनिंग वाला जो लेयर होता है पर्ल में, इसे हम क्या बोलते हैं, नेक्रे के नाम से जानते हैं। तो मोलस्कस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। तो हमने कौन कौन से एग्जाम्पल डिस्कस किए, एक बार फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर वन पाइला, कॉमन नेम क्या था उसका, एप्पल स्नेल। दूसरा हमने आपको बताया पिंकटाडा, पिंकटाडा मतलब की पर्ल ऑयस्टर, कॉमन नेम। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मतलब की डेविल फिश, कॉमन नेम। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया आपका लोलिगो मतलब की स्क्विड, उसके बाद शेपिया मतलब कटलफिश, उसके बाद एप्लाइशिया मतलब सी हेयर, उसके बाद हमने डेंटेलिया मतलब की टस्क सेल, और हमने चीटोप्लूरा मतलब की चीटोम, कॉमन नेम। तो ये एनिमल हमने डिस्कस किए। तो इतने एग्जाम्पल सफिशियंट हैं, जो इन एग्जाम्पल्स में जो भी कुछ मैंने डिस्कस किया इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मेरे एग्जाम्पल जितना भी मैंने डिस्कस किया है आउट ऑफ एनसीईआरटी, आप उसे अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। तो एग्जाम्पल्स में इतने इनफ। थैंक यू।